ठीक है ठीक। फिर देख ले ये जी, अब इस वक्त हम बैठे हैं मौजा कंबर। ये मौजा कंबर है तहसील मैलसी, बिल्कुल शहर की जड़ में है, बिल्कुल अपना समझो मैलसी है। और इसके अंदर ये बुजुर्ग हैं अपना खरकड़े गांव के हैं। इनका मैं इंटरव्यू करना आया हूँ। और बता दूं कि ये इनके बेटे हैं बड़े, नाम जी तरह मोहम्मद असलम, राव मोहम्मद असलम साहब हैं। और ये अपना है जी बाबा जी के भतीजे हैं। और इनके अपना ना बड़े भाई के बेटे राहुल उस्मान है साहब भाई। ये जी मोहम्मद वकास, ये अपना असलम का बेटा। अच्छा ठीक है जी। और बुजुर्गों की बता दूँ, माशाल्लाह बड़े है ना वेल नाउन है, फेमस लोग हैं मैलसी में, क्योंकि जो है ना पॉलिटिक्स है उसके अंदर इनके बेटे हैं जी राव मोहम्मद इसहाक, वो चेयरमैन रहे हैं। ये अपना शहर के अंदर काफ़ी सारा उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़े हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा वो है ना, आप पहले भी पिछले जो दौर था, पिछला पीरियड था टेनोर, उसके अंदर भी वो जो सिटी था मैलसी शहर, उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, नाजम रह चुके हैं नाजम। तो ये बाकी हम बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, कुछ जो है बाकी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक और तबीयत से सब ठीक है? अच्छा सर, हम कुछ पूछेंगे अपना हिस्ट्री के बारे में, अपने लोग रहा करते हिंदुस्तान। तो सबसे पहले तो तुम अपना नाम बता दो। अजी आसिल। और वाल साहब का नाम? अच्छा जी। और अपना गांव था खरकड़ा, इसके अलावा तो कौन से गांव थे? अच्छा, ये जिला अपना फिर असार पर था? हाँ, असार। अच्छा, और कौन से गांव थे मुसलमान? अच्छा, गैबीपुर, बरवाला, बरवाला, खरकड़ा। अच्छा खरकड़ा, असार शहर में भी थे मुसलमान? शहर में थे। अच्छा अच्छा, तो तारा जो सा था खरकड़ा गांव में, इसमें मुसलमान कितने थे? और मुसलमान थे सारे मुसलमान थे। अच्छा, बाकी घने मुसलमान थे? हाँ, घने मुसलमान थे। अच्छा, तो मुसलमान किस किस कौम के थे? कौम थी हम भट्टी थे। अच्छा, वो जो ये थे। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो सारे एक के हो गए, राजपूत हो गए, कोई अपना तेली थे। अच्छा अच्छा, तो जुड़से तर है गांव के पानी थे? और हाँ पानी थे। पानी हुए कितने थे? बस वो तो पानी आए घर 10-20 से। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा तर है लवा तो रपड़ोस में और गामा में तो होंगे ना हिंदू? हाँ हिंदू थे। अच्छा, ये बताओ कि जिस टाइम पाकिस्तान कौन ही बनया था पहला, उस टाइम तारा हिंदुओं के रहन सहन आन जान उठन बैठने किसा था? मुसलमान का हिंदुआ का? हाँ ठीक था। अच्छा ठीक था, नौकरी था भी हिंदू है मुसलमान इस तरह का था, आन लेन देन का था? लेन देन का तो बस जो सब ये क्षेत्रियों था काम कोई बड़ा मोटा। अच्छा, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था किसी किस्म का? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो पहले तो माड़े मोटे हुए हैं, फिर कोई नहीं था। अच्छा, तो जिस टाइम पाकिस्तान बना है 47 में ऐलान हो गया पाकिस्तान बन गया, मुसलमाना का मुल्क नहरा हो गया जी, तो फिर उनका रवैया किसा था? तरह मार के ले रही हुई या उनका इकट्ठे हो गए थे फिर तो? अच्छा, सब लड़ने वाले। अच्छा, फिर तो नहीं जोर से तारे गांव के बानिए थे? हाँ। मैं भी तारे खिलाफ थे? नहीं नहीं, वो तो थे बेचारे बंद थोड़े थे ना। अच्छा, मैं थोड़े थे। तो फिर तारे गांव पर अटैक होया था? नहीं अटैक नहीं, हमारे गांव पर अटैक हो गया। तो फिर अपना आन की सलाह किस तरह करी? हमने बरवाड़ा में पक गए। अच्छा, तुम इकट्ठे होकर बरवाड़े गए? हां बरवाड़ा। पैदल गए उड़ते? पैदल थे, गड्डी थी, सब कुछ थे। अच्छा, तो बरवाड़ा अपना फिर कितने दिन रहे? बरवाड़ा रहे हम कोई 15 दिन रहे राजपूत इकट्ठे हो गए, मुसलमान इकट्ठे हो गए थे, बचाओ कर जाओ। अच्छा, जिस वक्त फौज आई है ना, फौज आया पीछे जो मेरे भाई शहीद हो गया सीधा, इंडियन फौज नहीं फिर पैर मारे ना, नहीं कुछ बने तो फिर फौज आ गई, फौज ना मारे वो भी
करते करते तो बुजुर्ग का कड़ा थी है। अच्छा, वो कोई चीज़ नहीं बिगड़ी जमा, बस ये मुल्क के दिन आ गए ना, बंदे आया पीछे चढ़ गए, चढ़ा पीछे वो कड़ा ले जाए, ले जाए पकड़ लेगा जब। अच्छा, मोटू और इमाम मुकाबला कोई मुसलमान ने भी मारे? मुसलमान बड़े मारे भी, हिंदू बहुत मारे। अच्छा, वो चढ़ गए। अच्छा अच्छा, तो अच्छा तम फिर बरवाला तो अपना कितने लोग बरवाला कैंप था या अपने इकट्ठे हुए थे? हम इकट्ठे हो गए। और गांव में भी आ रहे थे? और गांव को ना बहुत ही है भी सारे मैं रह गए। अच्छा, सारा गणे रह गए। तो फिर तुम आगे क्या पाए? फिर आगे गड्डिया में अपने बरवाला के ट्रेन में बैठे गरीबा नो मैसम थी वो दे दिया अपने को गड्डे नहीं आया करते जो वो फिर काफला बन गया ना काफला के लिए नहीं का पैदल आया ट्रेन में बैठे थे हम ना ना हम पैदल आए हैं। अच्छा, पैदल काफला पैदल चल पड़े? हाँ, तो फिर कितने दिनों में पहुँचे हुए? कोई उठा चार दिन रहे हैं, चार दिन में उनका रहता तभी उन्हें कत्ल करा। अच्छा, फिर पूरा काफला रुक गया था? और सारा काफला जो है ना एडे एडे पूरे जो माल पशु थे जो बल्द बल्द थे उन्होंने देख ले भी बड़ा महंगा दिया अगर तो इसे तरह तो। अच्छा, तो तुम चल रहे जिस टाइम पैदल चल रहे फिर अपनी फौज बगी पाकिस्तान की चार दिन पीछे। अच्छा, फौज गई है उन्हें जानते उठ जो उठ गए उस तो पहले तुम रात ना खड़े रहते रात ना उठे रहते अपने पहला किया करते रात में नहीं जो चल पड़े काफला चल रहा जिस टाइम उस टाइम रात हो जाती फिर रात में भी जो सा ना एक गड्डी चाल पड़ी रही एक पीछे तो उठी है उसे वो न्यू आंधी आंधी काफ़ी दूर उन्हें लियान कर दिया भाई लवा लवा जो भी डंगे डूबने का अपने चराते जाओ अपने खाने पीते जाओ। अच्छा, तो राम कोई किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ? कोई वाकया तो नहीं बने? उन्नी वास्ते तो होया कई बार ही होए थे वास्ते तो हाँ वो लाठी लूटी चले गाड़ियाँ का दाब रखी थी कर रखी थी वहाँ देख दुख का नहीं बजाया। अच्छा, यानी तारे गांव में तो कोई लड़ाई नहीं हुई? ना हमारे गांव में कोई लड़ाई नहीं। मोटलवारी की वजह था जो सब शहीद हो जाए तो। अच्छा, और कोई जगह भी चीज जगह लड़ाई हुई हो किसी गांव पर? और तो सारे ही समझ पचाते पचूजा तो पहले काफला मर लिया तो पक्की नहर पर। हाँ, एक बीकानेर की नहर पर। हाँ, बताओ मैं एक छोटा काफला चल रहा था वो पहला हमें मार दिए थे। हाँ, सारा काफला मार दिए मार दिए। अच्छा अच्छा, हम इसी तरह मारा रहा था उनका नहीं भी करेगा वीरा ने भी मार दिया। हाँ, तो अल्लाह ताला ने चाहे थे अपने। अच्छा, तारे गाँव में जो से खरकड़ा में जो थे बाड़िया थे किसी का नाम याद है तारा? बाणिया का मेरे नहीं याद नहीं जो से दुकानदार थे जी जी किसे का नाम याद? ये बोलू बारे के पास तो याद थे मैं तकड़ा था। अच्छा अच्छा, किस दुकानदार का नाम भी नहीं याद? किसी और किसे ही दुकान के छोरा का जो तारे आने के हुए हैं किसे का नाम याद होगा? जी जी। अच्छा, भूल गया। अच्छा, और तो फिर तुम पैदल पहुँचे खड़े हुए? हम सही बात अपना चलते आए गाड़िया मारे हम रहे हैं और कट रहे मिंट कुमरी रहे बुरा आ गए थे? नहीं नहीं, हम बुरे। अच्छा, बुरे आ गए? हाँ, बुरे आ गए। तो बुरे कितने दिन रहे फिर? बुरे भी काफ़ी दिन रहे हम, बल्कि समझे भाई मेरा जो तर्जी था ना वो लेके सारा कुंभ निकले थे जाते उनमें से शहर में वो थे अपने खान पीन का लिया अगर यानी उस टाइम तक कोई इंतजाम को नहीं था दुनिया भी रहती। हाँ, बाकी वो डंगर डूंगरा का भी नहीं अपना एक दिन रोला पड़ गया उसके मान था एक वो आकर उसने गलाफा भर लिया तूड़ी ठा के लाया था गलाफा भर लिया जे उसने अपना गिर के तूड़ी मरे फेंकना फेंक के दे अपना जुती रह गई जा।
ਮੰਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਹਰੂਆ ਸਾਰਾ ਗਮ ਹੈ ਲਾਗ ਫਿਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਅਮਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਾ ਯੋ ਇਤਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਮ ਕਾ ਹਾਂ ਬਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਾ ਦਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਇਸ਼ਕੀ ਬਲਾ ਇਸ਼ਕੀ ਨਸਲਾਂ ਕਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕੀ ਨਸਲਾ ਗਾਮ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵੀ ਜੁਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਮਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਾਰੀ ਬੁਨੇ ਵੀ ਥੀ ਸਵਾਣੀ ਵੀ ਥੀ ਡੁਲਟ ਥੀ ਸਾਰਾ ਸਵਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਗੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੂਮ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ WhatsApp ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਸਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਈਏ ਤੇਰਾ 333 ਜੇਕੋ ਕਾਲ ਆਵਾ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅਗਲਾ ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੇ WhatsApp ਕੋ ਲੈਣਾ ਤਰ ਪੇ WhatsApp ਆਸਿਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ ਆਸਿਫ ਦਾ WhatsApp ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਲਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ 0300 ਅੱਛਾ 7312128 ਇਨਕਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਉਸਕਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 0092300773121218 ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰ 0092300773121218 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਕਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਤਾ ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਗੇ ਇਹ ਪਰ ਪੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪੋਤਾ ਵੀ ਪੋਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਸ ਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਆਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਪੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫੋਟੋ ਵੀ